बने के लेल तो पूरा सिंगापुर और दुबई समुद्र में बसायल जा सकैए, आइलैंड निर्माण कयल जा सकैए, अठान एम्स किया नहीं बन सकैए, अई पर भारतीय जनता पार्टी के आखिर की दिक्कत भ रहल छे, अठान एम्स किया नहीं बनते, ई जवाब भारतीय जनता पार्टी दो जे अगर बिहार सरकार 190 एकड़ जमीन माटि भरा कर दै के लेल तैयार छे तो अठान भारतीय जनता पार्टी एम्स बनेबाक लेल किया नहीं तैयार, केंद्र सरकार किया नहीं तैयार होइत छथिन, और ई जवाब नीतीश कुमार के देबऽ पड़तनि जे दू दू बेर कैबिनेट क के 200 एकड़ जमीन, 150 एकड़ जमीन, फेर 80-81 एकड़ जमीन हस्तांतरण क के माटि भरा कर फेर ओ ग्रीन फील्ड के शिगुफा किया छोड़लखिन। चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के बड़का नेता होत, चाहे राजद के बड़का नेता होत, भारतीय जनता पार्टी के बड़का नेता होत, कांग्रेस के बड़का नेता होत, नेता के काज छे सफाई देनाई, लेकिन दोषी अगर पत्रकार के रूप में देखबे, इठुनका आम नागरिक के रूप में देखबे, तो जतबे दोषी केंद्र सरकार ततबे दोषी राज्य सरकार। जय मिथिला, हम छी ललित नारायण झर, अपने लोकन के स्वागत कर रहल छी दरभंगा जिला के शोभन से, और शोभन के नाम लैत देरी जे छे से हमरा सब के अखन एकटा जे नाम सबसे जल्दी हमरा सब के मन मस्तिष्क में अबैत ओ नाम दरभंगा एम्स के भ जाइत छे। कारण एहि दुआरे जे दरभंगा एम्स जे राजनीतिक कुचक्र में जाय तरह फंसि गेल छे, उजरा गेल छे, तकरा बाद एक जगह दोसर जगह तेसर जगह ई स्थानांतरण एकर होइत रहलै अछि, और एखुनका जे जगह छे ओ शोभन छै, शोभन एकमी बाईपास। तो कुल मिलाकर जे छे से अठान से हमरा सब रिपोर्ट पहले हो कह चुकल छी, जगह देखा चुकल छी, और सहयोगी कहबन जे कनेक एक रति कैमरा पैन क देखाबथिन, और जना कि प्रेमचंद मिश्र सदन में बाजल छलथि हैं जे हर जमीन से 28 फीट लगभग गहार जगह छे, और वही जगह पर एम्स बनेबाक छे। तो कुल मिलाकर सरकार के ई दलील छलै जे अठान जे जगह छे बड़ा उपयुक्त जगह छे, और 190 एकड़ के आसपास जमीन हम केंद्र सरकार के भरा कर देबाक लेल तैयार छी, और केंद्र सरकार के अठान एम्स बनेबाक चाही। हालांकि शुरू दिन से कही रहल छी जे दरभंगा एम्स पर नहीं केंद्र के नियत साफ छे और नहीं नीतीश कुमार के नियत साफ छे, अर्थात नहीं केंद्र सरकार चाहे छे जे दरभंगा में एम्स बने, या नहीं राज्य सरकार चाहे छे जे दरभंगा में एम्स बने, और एम्स दुनू सरकार इहो चाहे छे जे अठान से एम्स उठ के कतौ जेबो नहीं करे। कारण भारतीय जनता पार्टी के सेहो राजनीति करबाक छे एम्स के नाम पर, जनता दल यूनाइटेड के सेहो राजनीति करबाक छे एम्स के नाम पर, राष्ट्रीय जनता दल के सेहो एम्स के नाम पर राजनीति करबाक छे, और रहल सहल जे राजनीति छे वो कांग्रेस के करबाक छे। तो कुल मिलाकर दरभंगा एम्स के नाम पर सब खड़खाही लूटि रहल छे, जकरा शुद्ध मैथिली में कही तो ई भेले खड़खाही लूटनाय, या फिर अपना आपके बहुत निर्दोष साबित केनाय, बहुत निरीह बना देनाय। कारण एहि दुआरे जे अखन किछु दिन पहले प्रधानमंत्री के एकटा बयान आयल छलनि जे दरभंगा में एम्स बनि गेलै, तकरा बाद बहुत रास बातचीत, बहुत तरह क्रिएटर सब आबि कऽ एहिठान किछु गोटा के संगे लऽ कऽ अनाप शनाप, हालांकि पत्रकारिता के जे मोरल जे स्तर पर बिहार में जा रहल छै, और खास कर मधुबनी दरभंगा में, तो ओ एकटा दुर्भाग्य बात छै। देखियौ, पत्रकारिता ट्रायंगुलर ओपिनियन वाला जे छै से चीज छै, एहिमे नहि अहाँ पक्ष में बजियो, नहीं अहां विपक्ष बजियो, निष्पक्ष भ के जहन विश्लेषण करबे तो तखन जे छे से चीज निकल के अबैत छे। एक्चुअली छै कि जे दरअसल छै कि जे लोक के हाथ में बहुत सहजता से साधन भेट गेल छै, ट्रोल केनाय बहुत आसान भ गेल छै। तो प्रधानमंत्री कहलनि जे दरभंगा एम्स बनि गेलै, दूटा चीज छै, दरभंगा एम्स जे जै जगह पर पहले डीएमसीएच परिसर में एम्स बनबाक रहे 200 एकड़ जमीन देल गेलै, एम्स जे छै से केंद्र सरकार द्वारा एम्स देल गेलै बिहार के, राज्य सरकार स्वीकार केलकै, जमीन राज्य सरकार के देबाक छै, 200 एकड़ जमीन बिहार कैबिनेट जखन एनडीए के एठन सरकार रहे बिहार में, 200 एकड़ नीतीश कुमार अपना कैबिनेट क के ओ जमीन दलखिन, ते के बाद फिर भले जे 27 एकड़ मात्र जमीन डीएमसीएच के लेल बच जते, तो 27 एकड़ जमीन में डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एतेक पुरान अस्पताल केना चलते, तो एकर विकास के लेल 50 एकड़ जमीन और ओहि में ऐड कर देल जाए और जोड़ देल जाए। ई दलील देल गेले जे बहुत रास देश के एम्स 150 एकड़ में बहुत बढ़िया से चल रहल छै, तो अइठान एम्स सेहो चलते। तकरा बाद फिर एहन भेले जे गठबंधन टूटले, ते के बाद फिर अचानक नीतीश कुमार के या फिर जे लालू यादव के जे ओ एकटा हनुमान छथिन तिनका सभक, चूंकि अखन स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी जी के अंतर अंतर्गत अबै छन, हुनका अंदर में छन, तो फिर एहन तरहक बात भेले नै जे ई जगह जे छै से ई जगह नीक नै छै। तै के बाद एकटा नया शिगुफा अइठन से निकललै जकरा कहै छै ग्रीन फील्ड।
अर्थात ग्रीन फील्ड एक एहन जगह जे खेतिहर जगह हो जे नया जगह हो जैठन कोनो तरहक अड़चन नहीं रहल है कोनो तरहक कंस्ट्रक्शन नहीं हो ओहि जगह पर आबिक ग्रीन फील्ड जगह में एम्स बनाएल जाए तो एम्स के लेल ई जगह चिन्हित कयल गेल सरकार लगभग 150 एकड़ फिर बाद में बढ़ा के ओकरा 188.8 एकड़ लगभग 190 एकड़ ओकरा क दल के संग संग इहो कहल के जे समस्त जमीन पर हमरा सब माटि भरा के हम केंद्र सरकार के जमीन देबे और केंद्र सरकार एहि जगह पर एम्स बनाऊ ऐठन से राज्य सरकार अपन एक चैल चल दल के और उमहर दरभंगा के अगर बात करी डीएमसीएच परिसर के तो ओहिठान 13 करोड़ टका से माटि सेहो भरा देल गेल डायरेक्टर के नियुक्ति भ गेल आब एहिठन टेक्निकली बात पहले हो कहने छलौ आब कहि रहल छी जे जखन कोनो संस्थान में डायरेक्टर के नियुक्ति भ जाय छै तो टेक्निकली ओ चीज फंक्शनल भ सकै छै फेर कहि रहल छी जे सो कॉल्ड जे ट्रोलर सब छथि ओ एहि चीज पर ट्रोल क सकै छथि कारण एहि दुआरे जे ज्ञान के अभाव रहैत छनि और बिना किछु सुनने जनने ट्रोल केनाइ बहुत सहज भ जाय छै ककरो तो जखन एम्स में डायरेक्टर के नियुक्ति भ गेलै दरभंगा एम्स में तो तकरा बाद जे छै से एहिठान ओहि सत्र से पढ़ाई MBBS के शुरू भ जेते तो पढ़ाई अगर शुरू भ जेते तो कागजी रूप से अहाँ के दरभंगा एम्स फंक्शनल भ जेते कारण एहि दुआरे जे मान लिया दरभंगा एम्स में इलाज 4 साल बादो अगर शुरू होते तो एहि 4 साल में हर 1 साल पर नया नया क्लाइठन से MBBS के क्लास शुरू होते नया नया बैच शुरू होते और वो जे पास आउट जे लोग रहते तो वो दरभंगे एम्स से पास आउट मेडिकल के जे स्टूडेंट निकल के अबतथि वो कोनो दोसर जगह से नहीं बगले में जे छै से एकटा कॉलेज छले सरकारी कॉलेज वो खुले छै लेकिन ओकर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहे छै ओकर विद्यार्थी के मधुबनी से दरभंगा आनल जाय छै ओहिठन पढ़ायल जाय छै लेकिन डिग्री जे भेटे छै वो ओहे कॉलेज से भेटे छै तो ई कोनो नया बात नहीं छै ई बहुत रास सरकारी संस्थान में होइत रहले के जे संस्थान अगर मान लिया अंडर कंस्ट्रक्शन छै तो ओहिठन कागज पर काज शुरू भ गेलै पढ़ाई के तो और हेतै और जे डिग्री भेटतै से सेहो भेटतै तो ओहि हिसाब से टेक्निकली अगर देखबै तो कागजी रूप से एकेडमिक रूप से जे छै से दरभंगा एम्स एठन शुरू भ गेल छलै कारण जखने डायरेक्टर के नियुक्ति भ गेलै तो ओ डायरेक्टर के नियुक्ति दरभंगा एम्स के लेल नियुक्ति भेलै एहन नहीं छै जे डीएमसीएच के डायरेक्टर के नियुक्ति भेल छलै ओ दरभंगा एम्स के डायरेक्टर के एठन नियुक्ति भेलै डायरेक्टर पदभार सम्हारलनि काज शुरू कऽ देलखिन तो ओहि दृष्टिये एठन कागज पर डॉक्यूमेंटेशन जे छलै जे डॉक्यूमेंट छै ताहि पर एम्स शुरू भ गेल छलै लेकिन फेर जे एठन का कुचक्र छै ओ राजनीतिक कुचक्र एबे केलै और ग्रीन फील्ड के नारा में कतौ ने कतौ दरभंगा एम्स जे छै से हक्कन कानि रहल छै मनसा दुनू तीनू चारू पार्टी जतेक एठुनका पार्टी छै सबके चुनावी एनडीए गठबंधन एम्स के नाम पर चुनाव लड़ते इंडिया गठबंधन एम्स के नाम पर चुनाव लड़ते नीतीश कुमार हंसेस का ई कहथिन जे हम तो जमीन दौ देने रहे तेजस्वी यादव कहथिन हम तो माटि भराई के सेहो बात कह दिलिये हम तो एम्स के जे 1267 करोड़ टका सरकार के केंद्र सरकार के छे तैसे बेसी हमरा सबके लागत लाग रहल है 190 एकड़ लगभग जमीन छे ओहि पर अगर अहाँ माटि भराई देखबे तो हमरा तो 1267 एकड़ से बेसी हमरा राज्य सरकार के पूरा अगर भूमि अधिग्रहण करिए माटि भराई अगर जोड़ के देखबे तो ओहि से बेसी हमर खर्च भ रहल तो ई दुनू के दुनू तीनू चारू पार्टी या दुनू गठबंधन के बीच में दरभंगा एम्स हंकन काइन रहल छै और ओहि बीच में प्रधानमंत्री के ई बात कहि देनाय जे दरभंगा एम्स शुरू भ गेलै तो ओहि के किछ आंशिक जरूर हम सब मान सकै छी जे कागज पर डायरेक्टर के नियुक्ति क के एम्स के शुरुआत तो जरूर कयल गेल छलै या लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ई शायद कने बेसी बजा गेलनि या हमरा लगैया जे कने बहुत बेसी बजा गेलनि जे दरभंगा एम्स बनि के तैयार भ गेलै दरभंगा एम्स नै बनलै या और दरभंगा एम्स कोन स्थिति में छै से देश के प्रधानमंत्री के नहीं बुझल छन सेहो बात नहीं लेकिन टेक्निकली ग्राउंड पर अगर अहाँ देखबे तो ओहिठान दरभंगा एम्स के डायरेक्टर के नियुक्ति भेल छलै है डीएमसीएच के डायरेक्टर के नियुक्ति ने जहिया अहाँ के RTI मांग के लेबाक हुए अहाँ लो सकै छी ओहि में इहे बात निकल के आया जे दरभंगा एम्स के निदेशक एतेक दिन फलां आदमी रहल छला है तो कथी के निदेशक रहल छला है तो दरभंगा एम्स के और ई जे छै से प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाला बात छै जे दरभंगा एम्स नहीं बनले दरभंगा एम्स के संगे संगे जतेक एम्स के घोषणा भेले ओकर शिलान्यास भेले ओकर ओकर भूमि पूजन होइत होइत जे छै से ओकर शुभारंभ सेहो भ गेलै अर्थात शुरू से लऽ कऽ ओकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होइत तमाम तरहक चीज भ गेलै ओ एम्स बनि के तैयार भेलै ओहिठन पढ़ाई शुरू भ गेलै ओहिठन इलाज शुरू भ गेलै लेकिन एतेक साल के बाद दरभंगा एम्स के शिलान्यास अखन धरि नहीं भेलैया और ई राजनीतिक कुचक्र भारतीय जनता पार्टी
जनता दल यूनाइटेड एठान राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस सभक कुचक्र में जे छे से दरभंगा एम्स लटकल छे कखनो डीएमसीएच परिसर बने छे कखनो तथा कथित रूप से अशोक पेपर मिल बने छे और कखनो शोभन के ई 190 लगभग एकड़ जमीन बन जाए छे जे शहर जमीन से 28 फीट नीचा छे बने के लेल त पूरा सिंगापुर और दुबई समुद्र में बसायल जा सकैए आइलैंड निर्माण कयल जा सकैए एठान एम्स किया नहीं बन सकैए अई पर भारतीय जनता पार्टी के आखिर की दिक्कत भ रहल छे एठान एम्स किया नहीं बनते ई जवाब भारतीय जनता पार्टी दो जे अगर बिहार सरकार 190 एकड़ जमीन माटि भरा कर दे के लेल तैयार छे तो एठान भारतीय जनता पार्टी एम्स बनेबाक लेल किया नहीं तैयार केंद्र सरकार किया नहीं तैयार होइत छथिन और ई जवाब नीतीश कुमार के देबऽ पड़तनि जे दू दू बेर कैबिनेट क के 200 एकड़ जमीन 150 एकड़ जमीन फिर 81 एकड़ जमीन हस्तांतरण क के माटि भरा कर फिर ग्रीन फील्ड के शिगुफा किया छोड़लखिन चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के बड़का नेता हो चाहे राजद के बड़का नेता हो भारतीय जनता पार्टी के बड़का नेता हो कांग्रेस के बड़का नेता हो नेता के काज छे सफाई देनाय लेकिन दोषी अगर पत्रकार के रूप में देखबे इठुनका आम नागरिक के रूप में देखबे तो जतबे दोषी केंद्र सरकार ततबे दोषी राज्य सरकार जो केंद्र सरकार फंड दिल के जो दरभंगा में बनेबाक छले तो ग्रीन फील्ड के चर्चा शुरू दिन से किया नहीं अले आखिर पहले नीतीश कुमार के तरफ से ई चीज किया कहल गले दरभंगे डीएमसीएच के उत्क्रमित क के एकरे विस्तार क देल जाए तो अठान सबके मन में पाप छे दरभंगा एम्स के नाम पर और इह जे छे से निष्पक्ष अगर अहां टिप्पणी अगर कोनो जर्नलिस्ट के जाना चाहे छी कोनो लोक के जाना चाहे छी तो इह छे जे दरभंगा एम्स पर सब गोटा राजनीति क रहल छे पहले दिन से कह रहल छी जे दरभंगा के एम्स कतो उठ के जेबो नहीं करते और फिलहाल 2025 तक दरभंगा एम्स के किछु नहीं होय वाला छे तो ई जे अखुनका पानी भर रहा दृश्य छे ओहि दृश्य के हमरा सब सोचलौं जे पुनः एक बेर देखा दे छी इएह दरभंगा एम्स के हकीकत छे चलै छी हमरा सब फेर कोनो दोसर एहने महत्वपूर्ण न्यूज के लऽ कऽ समाचार के लऽ कऽ और ओहिठुनका जे वस्तु स्थिति छे से अपने लोकनि के देखाबै छी सहयोगी स्नेहा झा और सरोज मिश्र के संग ललित नारायण झा मिथिला मिरर शोभन दरभंगा टफन XT600 HCR TMT रिबा पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।